देश की दिग्गज मसाला कंपनी महाशय दी हट्टी MDH के मालिक महाशय धर्मपाल जी का निधन कल सुबह 5 बजे हो गया। स्वर्गीय गोलाटी ने अपनी कंपनी के जरिए भारतीय मसालों की पहचान पूरी दुनिया में बनाई। वे 98 साल के थे। कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। व्यापार और उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए पिछले साल उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से नवाजा था। वह अपनी कंपनी के CEO थे और 25 करोड़ रुपए उनकी सैलरी थी। 98 साल के गुलाटी अपने मसालों का विज्ञापन भी खुद किया करते थे। गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। 1947 में देश विभाजन के बाद वह भारत आ गए। तब उनके पास महज 1500 रुपए थे। भारत आकर उन्होंने परिवार के भरण पोषण के लिए तांगा चलाना शुरू किया। फिर जल्द ही उनके परिवार के पास इतनी संपत्ति जमा हो गई कि दिल्ली के करोल बाग स्थित अजमल खान रोड पर मसाले की एक दुकान खोल ली। इस दुकान से मसाले का कारोबार धीरे धीरे इतना फैलता गया कि आज उनकी भारत और दुबई में मसाले की 18 फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन फैक्ट्रियों में तैयार MDH मसाले दुनिया भर में पहुंचते हैं। MDH के 62 प्रोडक्ट हैं। कंपनी उत्तरी भारत के 80% बाजार पर कब्जे का दावा करती है। धर्मपाल गुलाटी अपने उत्पादों का एड भी खुद करते हैं। अक्सर आपने उन्हें TV पर अपने मसालों के बारे में बताते हुए देखा होगा। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार यानी एम्बेसडर माना जाता है। वहीं गुलाटी के अंतिम समय में अस्पताल में भी ऐसा देशभक्ति माहौल नजर आया जहां उनके परिजन और परिचित देशभक्ति के गीत उन्हें सुना रहे थे। गुलाटी ने खुद उन्हें अपनी फरमाइश का गीत सुनाने के लिए कहा था। ले जन्मी है जहां पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे ये और बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले बढ़ता ही रहे और फूले फले है प्री जहां की रीत सदा है प्री जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की लाज माता हूँ ओ हो, 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 हो।